welcome and welcome back to my channel and welcome back to my another super duper exciting video. मैं तरस गई थी इस बात को बोलने के लिए. मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ YouTube पे, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ. एंड मैं बहुत ज्यादा हाथ जोड़कर सॉरी मांगती हूँ आप सब लोगों से, क्योंकि आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट इन माई मेन चैनल. एंड शॉर्ट तो पोस्ट कर रही थी बस, बट ऐसे लॉन्ग टर्म फॉर्म में पोस्ट नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे एग्जाम चल रहे थे एंड मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई आप लोगों के लिए एंड फाइनली मेरा ओनम मेकअप लुक आ गया है. होप और सारे मेकअप लुक की तरह ये मेकअप लुक भी आप लोगों को अच्छा लगेगा. एंड अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैंने बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट यूज करके किया है आज का मेकअप लुक. अभी जो मेरा ये वीडियो शूट हो रहा है ये मेरा न्यू फोन से शूट हो रहा है मेरा. दिस इज रेडमी नोट 10 प्रो. एंड प्लीज कॉमेंट करके बताना वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी कैसा है वीडियो का, क्योंकि इसमें इसी वजह से मैंने इन्वेस्ट किया है ताकि वीडियो अच्छा बन पाए. एंड इफ यू गाइस डू नॉट नो अबाउट दिस ओनम फेस्टिवल, सो दिस इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन केरला और साउथ इंडिया में ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होता है. सो दैट्स वाई हर बार की तरह मैंने आज भी किया है ओनम मेकअप लुक. एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगेगा. विदाउट एनी मोर ब्ला ब्ला लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर पुट एनी मेकअप हम लोगों को हमारे स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेप करना होता है. तो फॉर हाइड्रेट माई स्किन बहुत अच्छी तरीके से मैंने आज यूज किया है पॉन्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर. ये वाला मॉइस्चराइजर सबके पास होगा, आई न्यू इट. एंड दिस इज सुपर लाइट वेट, दिस इज सुपर हाइड्रेटिंग. इसके ऊपर मेकअप बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लाइड होता है एंड ऑल्सो ब्लेंड भी होता है. एंड मॉइस्चराइजर के लिए ऐसे वाले ह्यूमिड वेदर में मैं आप लोगों को ये वाला मॉइस्चराइजर सजेस्ट करूँगी. और आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर है जो आपके स्किन टाइप को सूट करता है वो भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, बट आई रियली प्रेफर दिस मॉइस्चराइजर. देन फॉर ग्लोई डूई मेकअप मैंने यहाँ पे इकाई का इल्यूमिनेटर यूज़ किया है. सो दिस इज़ बेसिकली अ क्रीम फॉर्म, लैक्मे का जो लूमी क्रीम है उस तरीके से काम करता है, बट ये मैक का जो स्ट्रोब क्रीम है उसका एकदम क्लोजेस्ट ड्यूप है. दिस इज़ वेरी क्रीमी फॉर्मूला बट वंस यू ब्लेंड इट ये बहुत अच्छे शीयर सा ग्लो प्रोवाइड करता है. लगता है कि आपने मॉइस्चराइजर ही अप्लाई किया है बट एक ग्लो रहता है फेस पे और कोई भी चंकी शिमर पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है इसमें. इकाई में बहुत ही अच्छा एक ऑफर चल रहा था तब, इसको मैंने 99 रुपीस में परचेस किया है बट इसका प्राइस आई थिंक 450 है. तो ये ऑफर वगैरह चले तो आप देख लेना उनके वेबसाइट पर, ये आप लोगों को इतने कम में मिल जाएगा और ये वाकई में काफ़ी अच्छा है. देन अभी पोर्स को थोड़ा सा फिलअप करना है, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ किया है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस प्राइमर. मैं मानो इसे मैं एकदम पहले से यूज़ करते आ रही हूँ इस प्राइमर को, और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने टी जोन पे अप्लाई किया है क्योंकि ये जो इल्यूमिनेटर वाला था उससे तो हमारा फेस जो है स्मूथ नहीं होगा, सिर्फ ग्लो प्रोवाइड करेगा. सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने पोर फिलिंग वाला एक प्राइमर यूज़ किया है जो कि इनसाइड की तरफ से. अब इसके बाद अब थोड़ा सा टाइम दो अपने स्किन को, थोड़ा सा सारा सब कुछ थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए, देन उसके बाद लगाना फाउंडेशन. आज मैंने फाउंडेशन के लिए यूज़ किया है प्लम का फाउंडेशन और इसका जो शेड है दिस इज़ टॉफी ग्लो. एंड इसका शेड मैच मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छी तरीके से होता है जैसे कि आप देख सकते हो. और ये जो फाउंडेशन का रेंज है ना इसमें ज़्यादा शेड नहीं है, बट ये जो शेड है आप मेरे स्किन टोन के क्लोज हो तो आप इस शेड को ले सकते हो टॉफी ग्लो. ये काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, एक नाइस डूई सा फिनिश देता है और एक डेमी मैट भी फिनिश देता है, इट्स समथिंग इन बिटवीन. एंड ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से होता है मक्खन की तरह. इसका कवरेज बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे जो भी पिगमेंटेशन है फेस पे थोड़ा सा डार्क स्पॉट है अच्छे से कवर कर दिया है. फुल कवरेज नहीं बोलूँगी, मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है. एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइट है. आप यहाँ पे मेबलिन का फिट मी, लैक्मे का 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट कवर फाउंडेशन, यहाँ पे आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे कंसीलर के लिए मैंने आज यूज़ किया है मेबलिन का फिट मी कंसीलर. दिस वन इज इन द शेड आई थिंक 25 मीडियम. ये वाला जो कंसीलर ये मुझे उतना खास पसंद नहीं है, बट एवरीडे ऐसे काइंड ऑफ अ लुक के लिए आप इस कंसीलर को यूज़ कर सकते हो. इसका कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, वेरी लाइट कवरेज प्रोवाइड करता है.
कंसीलर के हिसाब से देखा जाए तो। और ये मैंने यूज़ किया है फॉर हाइलाइटिंग माय फेस फीचर्स, कॉज लाइट शेड का कंसीलर आप इसी वजह से यूज़ करोगे ताकि आपका जो सर्टेन पार्ट ऑफ फेस है, अंडर आईज, नोज पे, जहाँ जहाँ आप हाइलाइटर अप्लाई करते हो यूजुअली, उस पार्ट को थोड़ा सा हाइलाइटेड दिखाने के लिए आप लाइट शेड का कंसीलर यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने यूज़ किया है मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट, और इसमें SPF 20 भी है। और यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट, मैंने ऐसा एक डोम शेप का ब्रश को यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ मैंने पाउडर से सेट किया है, क्योंकि आई रियली वांट टू नो जो मेरे फेस पे ग्लो है फाउंडेशन की वजह से या वो ग्लो इल्यूमिनेटर की वजह से, वो रहे वो वाला ग्लो। एंड पाउडर से सेट करने के बाद मेरा जो फेस है थोड़ा सा मैटिफाई हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम जब स्वेट आता है ना तब अच्छे से सब कुछ ग्लोई डूई लगने लगता है। देन हम अभी स्टार्ट करेंगे हमारा आई मेकअप। मेरा जो इनसाइड कॉस्मेटिक्स का एक कॉन्टोर और हाइलाइटिंग वाला स्टिक था, उसमें से जो कॉन्टोर वाला शेड है वो टूट गया है, और उसको लेकर मैं आज मेरे ब्राउन आई बेस के लिए उस कंटोर शेड को मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे आई लिड पे। थोड़ा सा छोटा सा फ्लैट शेड एक ब्रश लिया है एंड मैं सिर्फ और सिर्फ उसे अप्लाई कर रही हूँ मेरे आई लिड पे, ताकि इसके बाद जो मैं ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी वो अच्छे से स्टिक हो जाए। देन आज मैंने स्विस ब्यूटी का और मार्स कॉस्मेटिक्स का दोनों पैलेट यूज़ किया है। इस ब्यूटी के पैलेट की तरफ से ये डार्क ब्राउन शेड को लेकर मैंने यूज़ किया है मेरे अपने आई लिड पे, ताकि और आप अभी देखोगे कि मैंने कॉन्टोर शेड को लगाया है, उसके बाद में जब जहाँ जहाँ प्लेस कर रही हूँ ब्राउन शेड को, वो अच्छे से स्टिक हो रहा है, कहीं पे मूव नहीं होगा एंड वहाँ पे ही रहेगा कलर, एंड बहुत अच्छा पिगमेंटेड दिख रहा था ब्राउन शेड, एंड काफ़ी फैल नहीं जाएगा ये वाला आई शेडो। ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, इसके जगह आप कोई भी ब्राउन पेंसिल यूज़ कर सकते हो, आई पेंसिल। और देन मैंने ब्रॉन्जर शेड को लेकर ब्राउन शेड को ऊपर की तरफ थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है क्रीज लाइन पे। और आप कोई भी स्मोकी आई मेकअप कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप पहले ब्लैक बेस या तो ब्राउन बेस लगा लो। ब्राउन बेस सबसे नेचुरल लगता है, सबसे खूबसूरत लगता है, तो आप ब्राउन बेस लगाने की कोशिश करो। देन यहाँ पे मार्स कॉस्मेटिक्स की तरफ से वो जो ग्रीन शेड है, बहुत ही प्यारा सा ग्रीन शेड है, जो कि डस्की स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है ये वाला ग्रीन शेड, इससे लेकर मैंने अपने आई लिड पे लगाया है। अब अभी आप ये देख सकते हो ग्रीन शेड कितना उभर कर आ रहा है, तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ही इजीली एक ग्रीन स्मोकी आई मेकअप। ध्यान में रखना कि बहुत ही कम प्रोडक्ट लेकर ब्लेंड करते जाना है। और लोअर लैश लाइन पे मैंने पिंक शेड लगाया है, ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है, सो आप यहाँ पे ब्लैक भी कर सकते हो लोअर लैश लाइन पे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लैक्मी का आईलाइनर यूज़ किया है, विंग लाइनर यूज़ किया है। वैसे तो विंग लाइनर विदाउट एनी आई शेडो मेरे फेस के फीचर्स पे उतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, बट जब मैं कोई ऐसे स्मोकी आई मेकअप करने के बाद लाइनर अप्लाई करती हूँ बहुत अच्छा लगता है। आई रियली प्रेफर दिस लुक। एंड मैंने विंग लाइनर किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे विंग लाइनर आप लोगों को लगाना नहीं आता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आई लैश जितना है उतना तक ही आप लाइनर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लुक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट ये साउथ इंडियन काइंड ऑफ कुछ लुक है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा विंग लाइनर कर देती हूँ। और विंग लाइनर लगाते लगाते आप देख सकते हो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, पसीना आ गया था अपर लिप्स के, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद जो मैंने लगाया है मस्कारा फ्रॉम स्विस ब्यूटी, ये डुअल जो डुओ मस्कारा है स्विस ब्यूटी का क्रेस रेंज में से, ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है। एंड पहले जो है दोनों तरफ है इस मस्कारा का, पहले जो बिग वाला वॉन्ट है उसके मदद से मैंने अपर लैश को कोट किया है बहुत अच्छी तरीके से, एंड ये इतना अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, कांट इवन टेल यू गाइस। उसके बाद जो थिन वाला वॉन्ट है उसको लेकर लगाया है, और ये एकदम फॉल्स लैशेस की तरह लुक प्रोवाइड करता है एंड बहुत अच्छा लगता है। इसे लगाने के बाद आप लोगों को फॉल्स लैशेस लगाने की ज़रूरत भी नहीं, इतना अच्छा है। देन इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है, दिस वन इज इन द शेड ब्राउन, एंड काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड मैंने रिसेंटली आईब्रो प्लक किया है, तो मेरा आईब्रो का जो लुक है बहुत ही शार्प आ रहा था, एंड आई रियली लव माई आईब्राउज, आप लोगों को बताई है। देन कॉम्ब की मदद से थोड़ा सा मैंने कॉम्ब कर लिया है ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे। शुगर का पैलेट मैंने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि इस लुक के लिए शुगर का पैलेट यूज़ किया जाए, और उसमें से जो ब्रॉन्जर शेड है
उसे लेकर मैं अपने फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्ज अप कर रही हूँ। वैसे फाउंडेशन आप आपके शेड का लगा लेते हो तो ब्रॉन्जर कॉन्टोर वगैरह नहीं करने की ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं होती है, बट थोड़ा सा ब्रॉन्जर लगाते हो तो आपके फेस पे थोड़ा सा वार्म टोन आ जाता है एंड फेस का जो फीचर्स है वो और भी ज़्यादा उभर कर आता है। देन यहाँ पे मिस क्लेयर का मैंने ब्लश यूज़ किया है, दिस वन इज इन द शेड 05। सारे प्रोडक्ट का डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, कोई भी प्रोडक्ट का डिटेल्स देखना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। या फिर स्विस ब्यूटी का मैंने कॉम्पैक्ट ब्रश की मदद से मैंने ब्लश लगाया है और उसके बाद मैंने हाइलाइटर के लिए शुगर का ही पैलेट यूज़ किया है। बहुत ही सटल एक ग्लो प्रोवाइड करता है शुगर का जो हाईलाइटर है, बहुत ही ज़्यादा चंकी एंड ओवर द टॉप नहीं लगता है, बहुत ही सटल एक हाईलाइटर है, बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद फॉर लिपस्टिक मैंने यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का 24 आवर स्टे लिपस्टिक यूज़ किया है। इसका जो शेड है हावर यू, इसका शेड है दिस इज़ एन ब्यूटिफुल मॉव प्लस ब्राउन अंडरटोन का एक न्यूड शेड जो कि मेरे जैसे स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लगता है और इसको मैंने काफ़ी दफ़ा दिखाया है मेरे वीडियो पे, तो आप देख सकते हो लिपस्टिक कितना अच्छा लग रहा है। देन एक ब्लैक बिंदी मैंने लगाया है और आज कोई ऐसा वाला ऑक्सीडाइज में मेरे पास मांग टिका नहीं था, इस वजह से मैंने मेरे इयररिंग के साथ काला धागा ऐसे जोड़ के मैंने एक मांग टिका बनाया है। तो इसका कैसे ये मैंने बनाया इसका आपको देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट कर देना, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और लुक कैसा लगा है तो प्लीज़ नो मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।